देश के सबसे लंबे ग्रीन फील्ड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है। इस सेक्शन के चालू होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 4 घंटे से घटकर लगभग 2 घंटे का हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कई क्षेत्रों के आर्थिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के दौसा पैच का उद्घाटन होने के बाद राजस्थान के लोगों के लिए काफी सहूलियत होगी। आगरा नेशनल हाईवे से दिल्ली जाने के लिए अब 4 की जगह महज 2 घंटे का समय ही लगेगा। इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स कटवाने के लिए लाइन में लगने या गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे एक्सप्रेसवे पर नंबर प्लेट रीडर यानी NPR कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो चलते वाहन का फास्टैग और गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे, जिससे चलती गाड़ी में ही टोल कट जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय पहले ही टोल रेट्स को मंजूरी दे चुका है। कार और हल्के वाहनों से 65 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टोल लिया जाएगा। वाणिज्यिक और मिनी बसों से 1.05 रुपए प्रति किलोमीटर, बस और ट्रकों से 2.20 रुपए प्रति किलोमीटर, भारी मशीनरी 3.45 रुपए प्रति किलोमीटर, हैवी व्हीकल से 4.20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स लिया जाएगा। आपको बता दें कि देश के बाकी हाईवे या एक्सप्रेसवे से सस्ता टोल टैक्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार का टोल टैक्स 2.45 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से लगता है। इस एक्सप्रेसवे पर रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, रिजॉर्ट, शॉपिंग मॉल, फ्यूल स्टेशन, सुलभ फैसिलिटीज समेत कई सुविधाएं वाहन चालकों और यात्रियों को मिलेंगी। राजस्थान की सीमा में इस एक्सप्रेसवे पर 3 इंटरचेंज होंगे। पहला भंडारेज मोड़ के पास जो आगरा रोड पर जुड़ेगा, दूसरा डूंगरपुर जो लालसोट कोथुन हाईवे से जुड़ेगा, तीसरा बटकापाड़ा जो लालसोट से कोथुन हाईवे पर जुड़ेगा। दिल्ली और जयपुर के बीच रूट पर कुल 5 इंटरचेंज होंगे और यह हाईवे 8 लेन का होगा। जरूरत पड़ने पर इसे 12 लेन चौड़ा बनाया जा सकता है। एक्सप्रेसवे की हाई स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली और दौसा के बीच 8 एंट्री और एग्जिट होंगे।